हाल ही में बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 स्थित शिव कॉलोनी में झुग्गियों और मकानों पर तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ की कार्यवाही के विरोध में आज भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं की विरोध मार्च निकालते हुए सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग की। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि 2-3 दिन पहले नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ की सेक्टर 3 स्थित शिव कॉलोनी में झुग्गियों और मकानों पर तोड़फोड़ की। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसी कार्यवाही के विरोध में आज भीम आर्मी और भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालते हुए सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की कि पिछले 50 सालों से बसे लोगों के बेघर करने के बदले उन्हें आशियाना फ्लैट में या कहीं और जगह दी जाए। डीसी की गैर मौजूदगी में ज्ञापन लेने आए अधिकारी जान मोहम्मद ने सिर्फ इतना बताया कि सेक्टर 3 में तोड़फोड़ की कार्यवाही के विरोध में ज्ञापन दिया गया है जिसे डीसी तक पहुंचा दिया जाएगा। तोड़फोड़ के खिलाफ है जो उन्होंने ज्ञापन दिया, उसमें 20 साल तक पहुंचा दूंगा। क्या मामला है, कुछ बताया है आपको? ये तोड़फोड़ क्या है? झुग्गी जो है टूट सेक्टर 3 में। सर कहाँ की झुग्गियाँ हैं ये सारी? सेक्टर 3। प्रदर्शनकारियों में शामिल प्रदर्शनकारी विजय कृष्ण और एडवोकेट कुलदीप सिंह ने बताया कि पिछले 50 साल से ज्यादा समय से ये लोग कॉलोनी में झुग्गी और मकान बनाकर रह रहे थे, जहां सरकार के बिजली कनेक्शन भी मिले हुए हैं और वोटर आईडी कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट भी बने हुए थे। लेकिन जब ये लोग यहाँ बसे थे तभी इन्हें क्यों नहीं हटाया गया? उन्होंने कहा कि सरकार गरीबी खत्म नहीं कर रही है बल्कि गरीबों को खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा और मांग की कि पिछले 50 सालों से बसे लोगों को बेघर करने के बदले उन्हें आशियाना फ्लैट में या कहीं और बसाया जाए। सेक्टर 3 में, 3 के सामने शिव कॉलोनी है, शिव कॉलोनी में कुछ गरीब मजदूर लोग अपनी झुग्गियाँ मकान बना करके वहाँ पे वर्षों से रह रहे हैं, लगभग 50-60 साल से। आज दूसरी तीसरी पीढ़ी वहाँ पर आ चुकी है। अभी रोड को चौड़ा करने के बहाने और उनमें से करीब 20-25 लोगों के मकानों को तोड़ दिया गया है और आगे की प्रक्रिया अभी जारी है। आज हम उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि जब सरकार बनाने की, वोट लेने की बारी आती है तो इस शहर के नेतागण जाकर के उन गरीबों की झुग्गियों में जाते हैं, उनके पैरों में झुकते हैं और उनसे वोट लेते हैं। और जब सरकार बन जाती है तो सबसे पहले उनका डंडा जो अत्याचार है वो सबसे पहले उन गरीबों पर ही चलता है। शहर की अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो ये गरीब मजदूर उठाते हैं। अगर शहर को कहीं अच्छा सुंदर बनाने की बात आती है तो गरीब मजदूर बनाते हैं। अगर उनको बिल्डोजर चलाना ही था तो मंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम उन्हें अपने अवैध काम धंधे बंद करने चाहिए थे। जो उनके अपने रेस्टोरेंट और होटल बने हुए हैं वो खुद अवैध मार्केट बनी हुई है, वो रिहायशी एरिया है सारा का सारा, और वहाँ पर उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी की हुई है। चौटाला साहब ने, जब इनको, ये खुद इनेलो में थे, इन्होंने इनका खुद बंद कर दिए थे सारे रेस्टोरेंट वगैरह। लेकिन आज अगर कहीं कानून की बात आती है कि भाई अवैध कब्जे की, तो झुग्गियाँ या फुटपाथ पे काम करने वाला गरीब मजदूर, इनका ही शोषण होता रहा है, इन्हें कभी भी न्याय नहीं मिला है। तो जो तोड़फोड़ वाले हैं, जो उन्होंने क्या कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं है, जुबानी बात आया, बिल्डोजर लगाया और कह दिया भाई खाली करो, नहीं खाली करोगे तो हम तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से तोड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों का सामान भी उसमें टूटा है। अभी यहाँ पे हम डी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उन्हें आवास योजना के तहत आशियाना में इनको शिफ्ट किया जाए और जो लोग बचे हुए हैं उनकी ज़मीन की पैमाइश करके उनसे डीसी रेट पर पैसा ले लीजिए, उनके मकानों को पक्का कर दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भीम आर्मी एक बड़ा आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, चुप नहीं बैठेगी। अभी आश्वासन कुछ नहीं दिया है क्योंकि डी साहब नहीं आए थे, शायद अपने किसी नुमाइंदे को उन्होंने भेज दिया, क्योंकि ये अधिकारी भी अब सरकारों के अधिकारी हैं, ये गरीबों को न्याय दिलाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारी समझ में आ चुका है ये लोग। सर प्रशासन द्वारा सेक्टर 9 में, सेक्टर 3 में जो शिव कॉलोनी बसी हुई है 60-70 सालों से बसी हुई है, उस सेक्टर 3 में शिव कॉलोनी को बिना कोई सूचना के, बिना कोई नोटिस के जेसीबी, पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने एक साथ धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर दिया। उन घरों के अंदर मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, सामान रखे हुए थे, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, बच्चों को, महिलाओं को चोटें भी आई हैं।
तो सरकार को गरीबी हटाने वाली सरकार नहीं, गरीबों को खत्म करने वाली सरकार है। मेरी प्रशासन से हमारी ये प्रार्थना थी कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं उन्हें पुनर्वास योजना के तहत आशियाना में शिफ्ट करें, या जिस तरह से सर्दी में जो लोग बेहाल हैं उनको रहने का कहीं प्रबंध करें। मेरी प्रशासन से ये अपील थी। वकील साहब, प्रशासन ये कहता है कि जो लोग रह रहे थे ना उनकी रजिस्ट्री है ना कुछ है, फिर भी वो लोग जबरदस्ती बैठे। जनाब, अगर उनके पास रजिस्ट्री नहीं थी, 70 साल 60 साल से वो लोग रह रहे थे, उनके वोटर आईडी क्यों इशू हुए, बिजली के बिल क्यों इशू कराए गए? जब वो मकान बन रहे थे तो प्रशासन ने क्यों बनने दिए अगर वो अनलीगल थे? 70 साल से 60 साल से वो लोग रह रहे हैं, घर मकान बना के रह रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन चेता? आज प्रशासन को याद आ रही है इस कड़ाके की ठंड में? अगर कड़ाके की ठंड में इन लोगों को इस तरह से मकान तोड़ने थे, इनको कहीं ना कहीं बसाने की प्रोग्राम बनाना था, इन लोगों को बसाने का प्रोग्राम बनाना था, पर सरकार गरीबों को ख़त्म करने पे लगी हुई है। गरीबों को हत्यारी सरकार है, चाहे किसी का बच्चा मरे, किसी का आदमी मरे, कोई खाना नसीब हो। एक तो कोरोना की मार, अभी क्या बताया गया? अभी प्रशासन ने हमारे से हमारा ज्ञापन ले लिया है और हमें टाइम दिया कि कुछ दिन रुको, अब बताते क्या होगा।